हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल ग्लैम विद मी 2020। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा चैनल है ब्रेसेस जर्नी के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। और सबसे पहले आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्पेशली ब्रेसेस के ही ऊपर। एज यूजुअल, जैसे कि मैं हमेशा से ही ब्रेसेस के ऊपर बात करती हूँ वैसे ही। और तो सबसे पहले आज जो मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ वो ये है कि कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं मुझे कि ब्रेसेस के ही लिए कि मैम आपने बताया नहीं कि आपकी कैविटीज़ के ऊपर या कई चीज़ें, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लोग मुझसे कर रहे हैं या आप लोग मुझसे कर रहे हैं, तो वो मैं आप लोगों को आज आंसर देना चाहती हूँ। तो उसके ऊपर ही आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है। और सबसे पहले तो मतलब मेरी अब मे बी सब लोगों को क्वेश्चन था कि आपके ब्रेसेस कब रिमूव हो जाएंगे। तो मेरे ब्रेसेस अप्रॉक्सीमेटली 1 या 2 मंथ के अंदर रिमूव हो जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं अपडेट। तो मेरे टीथ में ज़्यादा स्पेस अब नहीं बचा है, सिर्फ ये वाला तो फिक्स हो चुका है। ये वाला टीथ मेरा बिल्कुल फिक्स हो चुका है, चिपक गया है। अब ये वाला जो टीथ रहता है मेरा, तो ये वाले टीथ ने आप गैप देख सकते हैं, ये जो गैप है मेरा, इसको जितना भी ब्रेसेस से कवर होगा उतना कवर करेंगे डॉक्टर्स, जब तक ये वाले टीथ दोनों नहीं जुड़ते तब तक। और अगर ये दोनों टीथ चिपक जाते हैं उसके बाद जो स्पेस बचेगा उसमें अगर टीथ लगाने का मतलब स्पेस होगा तो एक टीथ फिक्स करेंगे, इम्प्लांट करेंगे। और अगर टीथ का स्पेस नहीं बचता है तो उसमें फिलिंग करेंगे जिससे कि वो स्पेस कवर हो जाए, क्योंकि ज़्यादा स्पेस रहेगा तभी टीथ लग पाएगा, अगर छोटा सा स्पेस रहेगा तो टीथ नहीं लग पाएगा, तो उसमें फिलिंग करेंगे। तो मैंने आप लोगों को जो पिछली वीडियो कल, जो मैंने परसों शायद या कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने डाला था कि मेरे टीथ में क्या क्या चेंजेस आए हैं और ब्रेसेस का जो अपॉइंटमेंट था मेरा उसका। तो अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो उसमें मैंने अपने ऑर्थो डॉक्टर से, जो डॉन्टिस्ट हैं ऑर्थो वाले, उनसे मैंने बात की थी। तो वो यही बता रहे हैं कि इस प्रोसीजर में मतलब अब क्या क्या आगे होने वाला है और कितना टाइम लगेगा उसके बारे में। तो उन्होंने कहा है अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ और लगेंगे, क्योंकि ढंग से फिक्स होने में 2 मंथ और अच्छे से लगेंगे। तो मे बी जुलाई और अगस्त अभी लगे शायद, उसके बाद मेरे रिमूव हो जाएंगे। तो उसके बाद वो रिटेनर्स देंगे मुझे पहनने के लिए, तो वो सब डिटेल भी मैं आप लोगों को वीडियो में दे दूंगी कि क्या है। और रही बात कैविटी की, तो कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कैविटी के बारे में, तो कैविटी का मैं अभी इसलिए आप लोगों को कुछ डिस्कस नहीं कर रही हूँ या मैं आप लोगों को रिप्लाई कैविटीज़ के बारे में नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने जिस टाइम पर मेरा अपॉइंटमेंट था फर्स्ट, मतलब जब मैंने दिखाया था अपने टीथ, उसी टाइम पर मुझे मेरे डॉक्टर ने, जो डेंटिस्ट है मेरे, उन्होंने बोल दिया था कि आपका कैविटी का ट्रीटमेंट मैं जब ये ब्रेसेस रिमूव हो जाएगा उसके बाद करूंगा। तो उस टाइम पे ही वो उस चीज़ की डिस्कशन मैं करूंगी और उस चीज़ के लिए बात करूंगी कि जब ब्रेसेस रिमूव हो जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर मैं कोई ट्रीटमेंट कराती हूँ तो अभी मेरा खुद का ऑलरेडी इतना पेन मैं इस चीज़ का झेल रही हूँ, या अभी पेन भी होता है क्योंकि टाइट होते तो पेन होगा ही होगा, तो पहले इस चीज़ से मैं कंप्लीट हो जाऊँ, फिनिश हो जाए मतलब ये ट्रीटमेंट, उसके बाद ही मैं दूसरे और ट्रीटमेंट के लिए जाऊंगी। तो उस चीज़ का बारे में, उस चीज़ की डिटेल मैं आपको तब दे दूंगी। तो आप लोग इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी वो मत करिए कि मैं रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हूँ या मैं समझा क्यों नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैसेज में मुझे इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक एक को हर चीज़ मतलब क्लियर कर पाऊँ। बट अगर आप लोग को इस चीज़ के लिए मतलब आप लोग चाहते हैं कि मेरा कंसर्न आप लोगों को, मतलब आप लोग थोड़ा मेरे लिए फिकर करते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मुझसे पूछते हैं क्या कैविटीज़ के बारे में, आप लोग मैसेज करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि सबको रिप्लाई करूँ, बट नहीं हो पाता है, टाइम नहीं मिल पाता है। पर अगर जितना भी मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसमें आप लोगों को बताऊँ और ये बता पाऊँ कि मतलब मेरे कैविटीज़ का क्या चल रहा है, मेरे टीथ का अपडेट क्या चल रहा है। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को हर एक वीडियो या हर एक चीज़ अपनी अपडेट दूं, और कोशिश भी यही करती हूँ कि जैसे भी मुझे टाइम मिले, जब भी मुझे टाइम मिले मैं आप लोगों को अपडेट कर दूं और जल्दी से जल्दी नई वीडियो लेके आऊं। तो आज का जो मेरा वीडियो था इसी चीज़ के लिए था। और भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी आप लोगों के दिमाग में है तो प्लीज़ मुझे मैसेज या कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहे, मैसेज करते रहे, मैं आप लोगों को ज़रूर कोशिश करूँगी कि रिप्लाई कर दूँ। और जो मेरा कल का अपॉइंटमेंट था ब्रेसेस का, उसमें बस मेरा अब एक ही चीज़, मतलब अभी देखो नीचे के टीथ आप लोगों को दिख रहा होगा,
ये वाला फिक्स हो चुका है और यहाँ कोई भी स्पेस नहीं बचा है। ये वाला स्पेस थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ बचा हुआ है, मतलब मिनिमम इतना सा स्पेस थोड़ा सा बचा हुआ है। तो मतलब अगर अप्रोक्सीमेटली 1 या 2 मंथ के अंदर ये फिक्स हो जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी जब मेरा रिमूव होंगे। और किसी का मैसेज आया था कि मेटल ब्रशेस अच्छे हैं या सिरामिक, तो मेरे अकॉर्डिंग तो सिरामिक ब्रशेस बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, जल्दी से जल्दी देते हैं। और इसमें मतलब लिप्स का कटना वगैरह ये सब नहीं होता, अल्सर की प्रॉब्लम नहीं होती है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया ये वीडियो में और अभी भी बता रही हूँ। बस अभी मेरे को एक प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे ये जो ये वाला अंडर वाला टीथ है इसमें सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैं जब पानी पी रही हूँ तो इस वाले टीथ में मुझे बहुत प्रेशर सा फील हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि पानी पीते ही, ठंडा पानी जब मैं पी रही हूँ बर्फ़ वाला या आप लगा लो कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि अब सर्दियाँ हैं गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में ठंडा पानी तो पीना बनता ही है, तो जब मैं ठंडा पानी पी रही हूँ तो यहाँ पर मुझे बहुत तेज़ मतलब पानी जैसे चुभता है वैसा टाइप का लग रहा है, तो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ इसका भी मैं आप लोग को कल बताऊंगी कि मैंने इसके लिए क्या किया है। तो उसके लिए आप लोग मेरी वीडियो देखते रहिएगा, और आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मेरी इंस्टा आईडी में भी मुझे फॉलो करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।